नमस्कार, आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। और ये भाषा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कैसे? अगर हमें आता बहुत है पर हम बोल नहीं पाते, तो वो कहते हैं कि इसको बोलने का ढंग नहीं है, या ये क्या बोल जाएगा पता नहीं, या ये अच्छा वक्ता नहीं है। तो जो हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं वो हमें एक मैनर में बोलना है। मतलब हम अपने विचारों को जितने प्रभावशाली ढंग से दूसरे तक पहुंचाएंगे उतना ही ज़्यादा संप्रेषण होगा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपके भाषा शिक्षण का। बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर बात करें कि कौन कौन से बिंदु हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है तथ्यपरक सामग्री। तथ्यपरक सामग्री जो विचार की होती है वो आपके पास होनी चाहिए, कि आपको इधर उधर की बातें नहीं बोलनी है, बहुत ही फैक्ट बातें जो होंगी उनको आपको कलेक्ट करना है, क्या क्या बोलना है उनको बिंदुगत करना है और उसको बोलना है। साथ ही साथ जो आप बोले वो दूसरों से भिन्न हो, सत्य हो, कोई बहकाने की चीज़ ना हो, न किसी का टाइम आप खराब करें। साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें आपकी हों वो कलेक्टेड हो, ऐसा ना हो कि कई बार होता है कि कई चीज़ें बोलने में हम छोड़ देते हैं। तो अगर हम विचार सामग्री को अच्छे से संकलित करेंगे तो हम बता सकेंगे कि कैसे आप अच्छे वक्ता हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है आपका विश्लेषण व संश्लेषण, जो अपने विचार उनको छोटे छोटे भागों में बांट के उनका डीपली अर्थ बताना, या आप कहें कि बहुत सारे विचार इधर उधर छिटके हों तो उनको एक जगह संश्लेषित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए भी है कि हम जो बताना चाहते हैं अगर हम एक लाइन में कह दें तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम उसको विश्लेषित करते हैं या अलग अलग जगह की चीज़ों को, अलग अलग क्षेत्रों की चीज़ों को हम एक जगह संकलित करके, संश्लेषण करके उसको व्यक्त करते हैं, तो बहुत ही ये इफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद जो आपका अगला बिंदु है वह शब्द उच्चारण। शब्द उच्चारण, जैसे छ को श बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई आप देखेंगे छतरी वाला छ और क्षत्रिय वाला छ, दोनों में क्या करते हैं वो डिफरेंस नहीं बता पाते। तो अगर उच्चारण आपकी क्षमता सही नहीं है तो बहुत बड़े बड़े वक्ताओं की भी हंसी उड़ाई जाती है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या है कि समाज में जो जितना अच्छा वक्ता है वो उतना सफल माना जाता है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे आपके प्रोफेशन है जिसमें वक्ता अगर अच्छा ना हो तो वो काम नहीं होगा। जैसे आपका मैनेजमेंट हो गया, आपका जैसे आपके पॉलिटिशियन हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर आप इफ़ेक्टिवली अपनी बातों को नहीं पहुँचा पाते तो वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं दूसरों तक आपकी छाप छोड़ने में। नेक्स्ट जो पॉइंट है गति आरोह, स्पीड क्या होनी चाहिए बोलने की। बहुत तेज़ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत धीरे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ऐसा बोलने की बैलेंस रहे, और क्या, कौन सी चीज़ को, जैसे कौन सा आपको खींचना है, किस चीज़ को नहीं खींचना है, कौन से शब्द आपके तालू से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहे हैं, तो उसका बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में। इसलिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए और शब्दों का सही उच्चारण आपको पता हो, साथ ही साथ शब्दों की गति कितनी रखनी है किस वाक्य में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका भाव विचार, तो ठीक है कोई चीज़ ऐसे ही बोल दिया रफली, और इमोशन डाल के बोलना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरों को प्रभावित करने में। जैसे कहते हैं हमें संवेदना है आपके साथ, तो ऐसा तो लगेगा कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि हमें आपके साथ बहुत संवेदना है, ये देखिए कहने का तरीका, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में। नेक्स्ट देखेंगे तो हाव भाव एवं अंग संचालन, जैसे आप हंस रहे हैं और किसी के दुख में बोल रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, मुस्कुरा रहे हैं, तो कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ भी ये भी इम्पॉर्टेंट है हाव भाव क्या है। अब आपके पैर हिलाए जाते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो बहुत बुरी लगती हैं, तो सीरियस इंसान नहीं हो पाता। कुछ लोगों के ऐसा मुंह बन जाता है कि बहुत खुशी के माहौल में लगता है यार ये कितना दुखी है। तो इसलिए आपका हाव भाव और अंग संचालन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में। नेक्स्ट देखेंगे तो भाषा तत्व एवं उच्चारण, तो आपका शब्द उच्चारण तो ठीक है, शब्द उच्चारण में शब्दों को कैसे उच्चारण करना, या भाषा के तत्व जो उसके जैसे वर्ण है, आपके स्वर व्यंजन, इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए उसके तत्वों का, और उच्चारण उनका सही हमको पता होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है आपके अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में। नेक्स्ट देखें तो सरल सुबोध व सारगर्भित आपकी कंटेंट,
ऐसी चीज़ें जैसे बहुत ही क्लिस्ट आप बोल दिया और ऊपर से गुजर गया, तो सामने वाला जब समझा ही नहीं तो आपका संप्रेषण नहीं होगा। तो संप्रेषण होने के लिए अगर आप देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चीज़ें बहुत ही सरल और सुबोध रूप में, मतलब दूसरा वाला अंडरस्टैंड कर सके, सार गर्भित हो, ताकि क्या हो कि आपकी जो बातें हैं वो जैसी आप बताना चाहते हैं वैसे ही पहुँचे। ऐसे कहता कोई कुछ है और पहुँचता कुछ और है, उसके हाव भाव को देख लिया या बहुत क्लिस्ट कर दिया, वो समझा ही नहीं। तो अब जैसे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में कोई बोलता है, हंस के बोलता है यू आर टू बैड, तो आपको हो सकता है लगे कि वो आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन वो बोलता क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको बुरा बोलता है। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में चूज़ करना है कि किस प्रकार से चीज़ें आपकी सरल सुबोध, मतलब दूसरा समझ सके और सारगर्भित। इसके अलावा देखें तो क्रमबद्धता व भावानुकूल, तो सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी स्पीच में। स्पीच में अगर सीक्वेंस नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, भावानुकूल नहीं है, वो मतलब उसमें इमोशनों जिस प्रकार के इमोशन को प्रिटेंड करना है उस प्रकार के इमोशन नहीं है, तो बहुत ही वो मतलब उसका इफेक्टिवनेस बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी आपका बिंदु है क्रमबद्धता होनी चाहिए और भावानुकूल होना चाहिए। फिर अगर आपको देखें कि लास्ट पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, यहाँ मेन बात है उन पॉइंट्स को समझाने की जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। निर्भयता व आत्मविश्वास, बोलते समय अगर आप डर के बोलेंगे तो आपकी चीज़ें लोग हंसी में उड़ा देंगे, और जितना ही डट के बोलेंगे तो झूठ भी बोलेंगे तो लोग नहीं पकड़ पाते। तो आपके अंदर निर्भयता होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप झूठ बोलिए, लेकिन कहने का तरीका बता रही हूँ। और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कोई भी चीज़, ठीक है हमें नहीं आता, हम अपनी गलती मानते हैं, अगर कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे तो इंसान कहेगा देखो कितना कॉन्फिडेंट है, कहेंगे अरे मुझे नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो सच में इसने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बहुत सारी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में। ये आपका संप्रेषण का भी पोर्शन है, आपके भाषा शिक्षण का भी पोर्शन है, और भाषा में सिर्फ हिंदी नहीं है, संस्कृत, उर्दू, आपकी इंग्लिश, किसी का भी पोर्शन, आप इसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि जब भी हमें किसी को अपने विचार व्यक्त करने हो तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको फिर से मैं बता दे रही हूँ। तथ्यपरक विचार सामग्री, विश्लेषण व संश्लेषण, शब्द उच्चारण, गतियारोह, भाव विचार, हाव भाव व अंग संचालन, भाषा तत्व उच्चारण, सुबोध व सरल सुबोध व सारगर्भित, क्रमबद्धता व भावानुकूल, निर्भयता व आत्मविश्वास। तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के।